आज हमारे यहाँ पे 2020 और 21 के बजट के हिसाब से हमें एक जो कोविड के जो इस बीमारी की वजह से जो हमारे सारा मुल्क और सारा अभी दुनिया पूरी दुनिया हमारी जूझ रही थी कि गरीबी के हालात से और वो उस टाइम में कोविड में गरीब कैसा रहना चाहिए बल्कि उसका बिजनेस कैसा ऐसा सोच रहे थे उस टाइम में हमारे माननीय प्रधान येडियुरप्पा नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने बहुत सारे स्कीम्स उनके लिए लगाए उनके घर तक पहुंचने की कोशिश की सभी हमारी सरकारी सुविधा हो या संघ संस्था की सुविधा हो सब लोग पहुंचे लेकिन फिर भी उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे छूट गए थे कि वो वहाँ तक पहुँचना भी जरा एक बार छूट गया तो हम लोग एक माइनॉरिटी हमारी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे मिनिस्टर श्रीमन पाटिल जी और हमारे ऑफिसर हम लोग हमारे डायरेक्टर सब बैठ लेकर हम विचार करें कि हमारी गरीबी की रेखा से जो नीचे रहने वाले जो तबका है वो तबका जो उस कोविड के टाइम पे बहुत तकलीफ झेल चुका है तो उनके लिए कुछ कुछ ना कुछ हमारे निगम से हेल्प करेंगे बोलकर सोच तो वो सोचने के बाद में हम लोग एक ऐसा स्कीम लगाए थे कि हर एक लेवल 10,000 रुपये दिया जाए उसके अंदर 8,000 रुपये लोन और 2,000 रुपये सब्सिडी दे दो एटलीस्ट उसमें तरकारी या उन्होंने फ्रूट बेचना है या जातरे बोलते हैं उसमें वहाँ पे जब कुछ फूल फूल बेचना है ऐसा क्या कि अपना बिजनेस करके आप गुजारा कर सकते हैं बोलते हम सोचने के बाद में हम लोग स्पेशली लेडीज हम लोग वो ये करते हुए उनको देना बोलते हम सोच के उस टाइम में हम लोग तकरीबन 18 करोड़ सिर्फ 19 करोड़ तक 18.75 तक हम लोग उसका हम लोग रिजर्व फंड रखे रखने के बाद में जो हमारे तकरीबन लास्ट ईयर में एप्लीकेशन कॉन्फर्म भी करे थे हम लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन कॉन्फर्म करे तो वो अप्लीकेशन 44,862 सभी रिसीव हुए थे उसके अंदर जब हम लोग स्कूटनी करके जब उसके अंदर जो फार्म बराबर नहीं है डबलिंग हुआ है या दो दो बार अप्लीकेशन भरे रहते हैं ऐसा कुछ भी होने का वो सभी हम लोग कार्ड है तो भी 42,501 अप्लीकेशन रिसीविंग हुए थे तो उसके अंदर बाद में हमारे यहाँ पे एक हम लोग उसके एक सॉफ्टवेयर जो बनाए थे ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग ऐसा है बनाए थे कि उसके अंदर 100% वो जो विडोज है उनके लिए और बाद में जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए और बाद में अंत्योदय कार्ड जो है उनके लिए ये 100% उनके लिए देना है बोलकर हम लोग ये कर रहे थे उसके हिसाब से तकरीबन ये 2,247 यानी कि 2,247 उनका वो आंकड़ा था वो उनको सिलेक्शन करने के बाद में और हालांकि हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हमारे माइनॉरिटीज में कर्नाटक के इसके अंदर हिसाब से क्रिश्चियन आते हैं जैन आते हैं फारसी आते हैं सिख आते हैं बौद्धिस्ट आते हैं ये सभी के लिए भी हम लोग एक टारगेट फिक्स किए थे हमारा जो रेशो रहता है वो 10-20 के हिसाब से वो रेशो के हिसाब से हम लोग करने के बाद में क्रिश्चियंस का हम लोग टारगेट था 1,509 बोल के और 79 दूसरे इसमें उनका जो विडोज है उनका था उसके अंदर वो एप्लीकेशन आए थे हमको 1,430 आए थे अप्लीकेशन वो हम लोग कंप्लीट किए हैं उनको 100% हम दे रहे हैं और जैन के लिए भी टारगेट था 268 और प्लस 12 था यानी कि 280 टारगेट था लेकिन वहाँ पे 256 आए थे तो हम लोग उनके लिए भी 100% हम लोग उनको ले दे रहे हैं और फारसी के लिए 18 उनके आए थे 18 फिक्स कर चुके हैं सिख का भी था 11 उनका लिए फिक्स किए थे बौद्ध का भी 18 था उनके लिए भी 100% दे रहे हैं तो ये तकरीबन ये सभी मिलाए तो 1,733 हो रहा है और बाद में ये ऊपर का हमारा जो 2,287 ये भी मिला लेके टोटल होता है 3,980 एप्लीकेशन सर 100% सिलेक्शन हुए इसके बाद में बचे हमारा टारगेट था 18,790 का टारगेट था इसके अंदर ये माइनस करने के बाद में तो हमारे यहाँ पे अभी हमको सिलेक्शन करना था 14,710 तक का सिलेक्शन करना है हमको वो सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ऐसा एक सॉफ्टवेयर में ऐसा एक तब्दीली रखा है कि जब हज का जो एप्लीकेशन में खुर्रा होते वहाँ पे हज के एप्लीकेशन जो भी खुर्रा होके जिसके नसीब में है उसे मिलता है उसी तरह हम लोग एक ग्राम पंचायत के लेवल से लेके टाउन पंचायत से लेवल के लेके और सिटी के कॉर्पोरेशन सभी हम लिमिटेशन को टारगेट फिक्स कर रहे थे वो टारगेट के मुताबिक हम लोग वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम सिलेक्शन कर रहे हैं
वो हमारे मंत्री जी श्रीमंत पाटिल जी और हम और हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब हो, हमारे डायरेक्टर महबूब अशा हो और हमारे मैनेज हमारे इसके जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स है गौतम जैन और तंगा और सद्दाम और हमारे सिराजुद्दीन, सब मिलकर हम लोग एक मीटिंग में हम लोग फाइनल कर रहे थे कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि रैंडमली सिलेक्शन हो, इसमें किसी की भी हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए। तो वो काम आज हम उसे अंजाम देकर आज वो जो हमारे लेडीज है खातिन है उनके लिए खास करके हम लोग ये जो स्कीम 8,000 करोड़ और 2,000 रुपया सब्सिडी के तौर पे हम 10,000 रुपये देने का काम आज अंजाम दिया है। आज उन लोगों का सिलेक्शन होने के बाद में आज वो सभी अभी एक 8 दिन के अंदर हमारे यहाँ से ऑर्डर जाएगा, तो वहाँ पे जाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जाके वो सिलेक्शन जो हुए हैं उनको फोन कॉल मैसेज जाता है। अभी मैसेज जाने के बाद में वो अपना डॉक्यूमेंटेशन एक पेपर में डॉक्यूमेंटेशन साइन करके हमारे यहाँ पे और लगा के देना है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को, वहाँ पे दृढ़ीकरण होकर वो बेंगलुरु को आ जाता है। कैसा हम लोग कैसा बोल रहे हैं कि हफ्ते को एक बार वहाँ से भेज देना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते को एक बार वीकली वंस टाइम वहाँ से भेज दे तो एटलीस्ट उन्होंने कैसा जल्दी कितना जल्दी वो डॉक्यूमेंटेशन जाकर सबमिट करेंगे उतना जल्दी हमारा अमाउंट से वहाँ को RTGS उनके अकाउंट को चला जाएगा। ये बहुत बड़ी एक हमारी स्कीम एक अभी हमारे श्रीमंत पाटिल जी ने भी बोल के गए हैं कि ऐसा स्कीम कि हमारा ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से चल रहा है, हिस्टोरिक है। और एक खास करके बोलना बोले तो हमारे येडियुरप्पा जी ने परसों बजट में बोले थे कि लेडीज को खासकर हम तवज्जो देंगे बोल के, वो खवातीन को जो जो तवज्जो देने का था वो काम हम लोग हमारे KMDC के तौर से भी हम लोग कर चुके हैं, वो काम हम शुरुआत कर चुके हैं। इसके लिए मैं हमारे सभी स्टाफ से और हमारे मीडिया भाइयों से भी हो हमारे सभी हमारे मिनिस्टर साहब हमारे सब लोग कौन इसमें और खास करके हमारे सॉफ्टवेयर बनाने वाले हमारे शोएब मुदस्सिर सभी हैं, ये इनका मैं थैंक्स देना बोलना चाहता हूँ कि वो इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि उसके अंदर कुछ भी कपड़ा नहीं है। आप कभी भी आओ आपका आपके हाथ से ही रैंडमली सिलेक्शन करके हम लोग वो दिए सर, ये सभी सिलेक्शन करके दिए सर, इसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत हम काम कर रहे हैं। पूरे रियासत में कितने खवातीन इसके बेनिफिशियरीज एक्सपेक्टेड हैं? 18,790 पूरे कर्नाटक के अंदर ये सिलेक्शन हो रहे हैं। अभी वो सिलेक्शन लोगों को उनको मिलने और मिलता है और आने वाले दिनों में इसे अभी तरह बढ़ाने की भी हमारी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुदा ताला ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा।